गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक भूकंप डिटेक्टर मशीन बना सकते हो। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ही कम खर्चे पे आप इसको बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको इसके लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में सिखाया हूं। गाइस अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो, इस वीडियो पे नए विजिट करो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाल वाले घंटी को भी दबा देना। ये पहले हमें 9 वोल्ट का बैटरी लेना है, फिर ये एक बजर चाहिए, फिर हमें एक ऑन स्विच ऑफ बटन आप ले सकते हैं, ठीक है वो लेना है। फिर ये कनेक्टर आपको ले लेना है, 9 वोल्ट का ही है ये भी, और एक सेफ्टी पिन ले लेना है। और यहाँ पे आप नट वोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इसी से आपको पता चलेगा। फिर आपको एक कॉपर वायर ले लेना है और यहाँ पे आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो। देखो मैं ये कार्डबोर्ड लिया हूँ, आपके पास हो तो ये, और इस पे से दो कार्डबोर्ड आपको ऐसे काट लेना है, ठीक है। तो दो टुकड़े कार्डबोर्ड के इस तरीके का आपको सेट कर लेना है। फिर कॉपर वायर में से दो कॉपर मतलब वायर आपको निकाल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, आपको उसी तरीके से दो कॉपर वायर आपको निकाल लेना है, ये आपको आगे काम आएगा। फिर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ग्लू लगा रहा हूँ, जो एक कार्डबोर्ड पर लगा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा सकूँ। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगा दूँ, सेफ्टी पिन लगाने वाला हूँ, ये देखो मैं इस तरीके का आपको लगा लेना है। और पहले जो वायर है ऊपर कार्डबोर्ड पे आपको देख रहा होगा एक होल है, उसी में से आपको आर पार कर लेना है। सो गाइस इसको आराम से करना है ताकि आप इसको अच्छा से स्टेबल कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो ये ग्लू लगा रहा हूँ ताकि ये स्टेबल हो पाए, ठीक है। तो दूसरा वायर है उसको सेफ्टी पिन पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पर सेफ्टी पिन पे बांध देता हूँ। सो गाइज एक वायर जो है सेफ्टी पिन पे लगा हुआ है और एक वायर ऊपर से आया हुआ है, तो ऊपर वाले वायर जो लटका हुआ है यहाँ पे मुझे लगाना है, यहाँ पे क्लिप लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप नट बोल्ट लगा सकते हो, इसी से हमारा काम करेगा, ठीक है। देख सकते हो मैं यहाँ पे एक वायर पे ये लगाया हूँ और दूसरे वायर को सेफ्टी पिन पर लगा दिया हूँ, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, कनेक्टर लेना है, ठीक है, बजर और कनेक्टर लेके एक एक लगा लेना है। मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा कैसे आपको करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, उस पर एक कनेक्टर का एक वायर इस पर लगा लेना है और दूसरे वायर का भी लगा लेना है बजर का। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर जो एक वायर है तो यहाँ पर जो आप ऊपर में जो वायर लगा है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। सो गाइस ये हो गया कनेक्ट, अब दूसरे वायर को भी इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। गाइस ये रहा हमारा इस तरीके का सर्किट बनने वाला है। तो यहाँ पहले कनेक्टर होगा, फिर पिन से जो भी वायर है उसको कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर ये ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरे तरफ मैं बजर को यूज़ करूँगा और उसके ऊपर वाले को यूज़ कर लेना है। अब कुछ नहीं करना है गाइस, हमें बैटरी को लगा के देखना है और ये काम कैसा करता है, चलो देखते हैं।
सो गाइज ये है हमारा बजर, ठीक है, जो हमें अवेयर कराएगा अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं आने वाला। ये सिंपल सर ये प्रोजेक्ट था। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।